हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, ये है हमारी फ्लास्क की सीरीज और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हाउ टू डिप्लॉय द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बाय यूजिंग फ्लास्क। ओके, सो गाइस, हमने पिछली वीडियो में देखा कि इंट्रोडक्शन टू फ्लास्क और फ्लास्क को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ हमने देखा कि हम फ्लास्क को किस तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट करते हैं फ्लास्क, राइट। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक लीनियर रिग्रेशन का एग्जाम्पल, और वी विल गो टू वन मोर वीडियो और वन मोर टॉपिक, वो होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट बेसिक मॉडल होगा वो हम बनाएंगे अपने जुपिटर नोटबुक में। ओके, उसका सारा पूरा एनालिसिस करके उसको जुपिटर नोटबुक में बनाएंगे, और सिर्फ उसका फिर जितना पार्ट चाहिए उतना ही पार्ट हम अपने फ्लास्क कैप में लेके एक लीनियर रिग्रेशन का फ्लास्क कैप बनाएंगे। ओके, एंड दिस सेकंड टॉपिक, मतलब जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पार्ट होगा, वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पे हम पूरा का पूरा कोड हम फ्लास्क में ही बनाएंगे, राइट। इंपोर्ट करने से लेकर पूरा कोड हम फ्लास्क में ही बनाएंगे। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। तो फॉर लीनियर रिग्रेशन, फॉर द प्रॉब्लम ऑफ लीनियर रिग्रेशन, वी आर यूजिंग हियर द एडवर्टाइजिंग डॉट सी एस वी फाइल, मतलब एक एडवर्टाइजिंग नाम का डेटा है, CSV फाइल है, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे TV, रेडियो, न्यूज़पेपर और सेल्स, ये चार कॉलम है। इसमें से जो सेल्स है वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो TV, रेडियो और न्यूज़पेपर, ये तीन है वो है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो दे उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे TV, एक्चुअली दिस TV, रेडियो एंड न्यूज़पेपर कॉलम कंटेंस द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट विच इज़ यूज्ड ऑन TV, ऑन रेडियो एंड न्यूज़पेपर। मतलब एक एजेंसी ने या किसी कंपनी ने TV पर एडवर्टाइज के लिए कितना खर्च किया, रेडियो पे एडवर्टाइज के लिए कितना खर्च किया, न्यूज़पेपर एडवर्टाइज के लिए कितना खर्च किया, और उस वजह से सेल में कितना इंक्रीज हुआ, राइट। सो ये रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया है, तो हमें इसके लिए हमारा एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये तो था हमारा डेटा, तो हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक जुपिटर नोटबुक खोल के रखा है, और जिसको मैंने नाम दे के रखा है फ्लास्क लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम कहीं पे भी जुपिटर नोटबुक में या फिर डेटा एनालिसिस के लिए, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है टू इम्पोर्ट लाइब्रेरीज। ओके, सो आई विल राइट हियर इम्पोर्ट लाइब्रेरीज। ओके, सो आई विल इम्पोर्ट पांडास एज PD, उसके बाद मैं लिखूंगा इम्पोर्ट numpy एज np। सो गाइस, पांडास क्यों यूज करते हैं हम, वी यूज पांडास फॉर द डेटा फ्रेम, और टू एडिंग डेटा फ्रेम, टू रिमूविंग कॉलम, एडिंग कॉलम, और टू चेंज एनी पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम। ओके, और numpy हम यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, अरेज क्रिएशन, अरेज का मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम numpy यूज करते हैं, राइट। उसके बाद हम करेंगे इम्पोर्ट matplotlib.pyplot as plt। Now, जैसे यहाँ पे matplot है, राइट, सो दिस लाइब्रेरी वी आर गोइंग टू यूज एज प्लॉटिंग लाइब्रेरी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे आएगा matplotlib inline। ओके, सो देयर गाइस, दिस % matplotlib inline, इस लाइन का मतलब या फिर इस लाइब्रेरी या फिर ये लिखने का मतलब ये होता है कि जो भी प्लॉट बनेगा वो प्लॉट आप यही इसी नोटबुक में शो करो, राइट। उसका सेपरेट से कोई एक एक्सटर्नल फाइल मत बनाओ, यहाँ पे ही शो करो। ओके, उसके बाद हम करेंगे इम्पोर्ट seaborn, ये भी फिर से एक प्लॉटिंग की लाइब्रेरी ही है। ओके, seaborn एज SNS, उसके बाद हम करेंगे, ये तो हो गया प्लॉटिंग के लिए, अब करेंगे हम हमारे लीनियर मॉडल्स के लिए, राइट। सो आई विल राइट फ्रॉम scalern.modelSelection, मॉडल सेलेक्शन import ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट। ये लाइब्रेरी क्या इंपोर्ट करती है, सो वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द scalern, जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, उससे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब डेटा को ट्रेन और टेस्ट सेट्स में स्प्लिट करने के लिए। ओके, देन वी विल से फ्रॉम scalern.linearModel इम्पोर्ट linear regression, राइट। सो लीनियर हमारा यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है कंटिन्यूअस, राइट, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम। और उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम scalern
इंपोर्ट मैट्रिक्स, राइट। इसका मतलब है कि एसक्यूएल से मैट्रिक्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट करो। और मैट्रिक्स की लाइब्रेरी क्यों यूज़ की जाती है? सो इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी, आपके मॉडल्स की एक्यूरेसी, और जो अलग अलग वैल्यूज होंगी, आर स्क्वेयर वैल्यू या जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो आई विल रन दिस शिफ्ट एंटर से मैं इसे रन करूँगा तो इट विल स्टार्ट इंपोर्टिंग ऑल द लाइब्रेरीज, राइट। ये स्टार का मतलब होता है कि आपका ये सेल रन हो रहा है। ओके, अब सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई है। उसके बाद हमें करना होता है डेटा को लोड, राइट, डेटा सेट को। आई विल राइट लोड द डेटा। ओके, सो आई विल राइट एडवर्ड, ओके, शॉर्ट में लिखूंगा मैं एडवर्ड। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे पीडी, मतलब पांडास करेंगे, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर। हमारा जो फाइल था वो फाइल यहाँ पे वो फाइल है csv, राइट। सो आई विल राइट पीडी रीड csv, और उसके अंदर मैं दूंगा रीड csv कोट्स के अंदर आई विल राइट दी लोकेशन, कि उस फाइल का लोकेशन हमें चाहिए। सो मैं यहाँ से पाथ कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे मैं करूँगा Ctrl+V। उसके बाद यहाँ ये तो हो गया पाथ लोकेशन, उसके बाद हमें देना होता है फाइल नेम, राइट। सो हमारा फाइल नेम है advertising.csv, मतलब उसका एक्सटेंशन भी हमें देना होता है, राइट। यहाँ पे जैसे लिखा है csv, क्योंकि जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज होगा, यहाँ पे कमांड्स चेंज होगा, राइट। अगर यहाँ पे slx होगा तो यहाँ पे आपको excel देना है, राइट। json होगा तो json देना है। ओके, सो वी विल इंपोर्ट फाइल्स। सो राइट, वी हैव इंपोर्टेड द फाइल। सो अब हम फाइल में शुरुआत में करेंगे प्री प्रोसेसिंग। ओके, राइट, आई विल राइट हियर प्री प्रोसेसिंग। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस फाइल को चेक करते हैं कि उस फाइल के अंदर क्या है, राइट। सो आई विल राइट एडवर्ड डॉट हेड। तो हेड क्या करेगा, आपको फर्स्ट फाइव रोज और कॉलम के नाम्स आपको देगा, राइट। सो यहाँ पे देखो, एक पहला कॉलम है अननेम्ड कॉलन जीरो, दूसरा है टीवी रेडियो न्यूज़पेपर और सेल्स। नाउ गाइज, आउट ऑफ दिस ऑल कॉलम्स, ये अननेम्ड हमें हमारे पास अननेसेसरीली है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो पांडाज है उसने भी यहाँ पे इंडेक्सिंग करके दिया है, और ये अननेम्ड भी इंडेक्सिंग ही दे रहा है, राइट। सो वी हैव टू ड्रॉप दिस कॉलम। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे। सो आई विल राइट न्यू नेम। अब मैं नाम चेंज करूँगा, राइट, एडवर्टाइज, मतलब ये हमारा अब नया डेटा फ्रेम होगा। सो आई विल राइट एडवर्टाइज इज इक्वल टू एडवर्ड, जो पुराना वाला ये वाला डेटा फ्रेम है उससे डॉट ड्रॉप, उससे ड्रॉप करो। उससे क्या ड्रॉप करना है, तो उससे ड्रॉप करो कॉलम जो मैं यहाँ पे दूंगा। आप मल्टीपल कॉलम्स भी ड्रॉप कर रह सकते हो, उसके लिए आपको लिस्ट फॉर्मेट में देना होता है, राइट। सो आई विल राइट हियर कोट्स में, क्या नाम है उसका, अननेम्ड, UNNAMED, राइट, अननेम्ड कोलन और स्पेस जीरो, राइट, ये आपके इस कॉलम का नाम है। और उसके बाद मैं लिखूंगा लिस्ट के बाहर कॉमा axis=1। axis=1 मतलब पूरा कॉलम ड्रॉप करो। ओके, जब आपको सिर्फ रो ड्रॉप करना होता है, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पे हमने कोई कॉलम या रो मेंशन नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे लिखना होता है इफ यू वांट टू ड्रॉप वन रो देन यू हैव टू राइट axis=0। ओके, और आपको अब कॉलम करना होता है तो आपको लिखना होता है axis=1। सो हम यहाँ पे करेंगे रन। तो ये रन हो गया, फिर हम फिर से देखेंगे एडवर्टाइज कंप्लीट, कि उस एडवर्टाइज डॉट हेड हेड। ओके, तो अब देखो, अब जो जितना डेटा हमें चाहिए उतना ही डेटा उसमें बचा है, राइट, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर और सेल्स। आउट ऑफ दिस टीवी रेडियो न्यूज़पेपर आर इंडिपेंडेंट फीचर्स एंड सेल्स इज आवर डिपेंडेंट फीचर। ओके, और से प्री प्रोसेसिंग का पार्ट में लेंगे एडवर्टाइज, आई विल यूज टैब फॉर इट, तो एडवर्टाइज डॉट इन्फो। तो ये मुझे इस डेटा फ्रेम का इंफॉर्मेशन देगा, ये बोल रहा है कि यहाँ पे 200 एंट्रीज है, 0 to 199, देर आर टोटल 4 कॉलम्स। पहला है टीवी जिसमें 200 नॉन नल है, तो उसका डेटा टाइप है फ्लोट। दूसरा है रेडियो, 200 नॉन नल्स, अगेन उसका टाइप है फ्लोट। तीसरा है न्यूज़पेपर, अगेन 200 नॉन नल्स काउंट है, एंट्रीज है।
और फ्लोट और सेल्स फ्लोट, राइट। सो बेसिकली ये यहाँ पे नॉर्मल काउंट मतलब कितने नॉर्मल वैल्यूज है वो दे रहा है। सो हर टोटल एंट्रीज भी 200 ही है और यहाँ पे हर जगह 200 ही वैल्यू, राइट। सो दिस मीन्स देर आर नो नल वैल्यूज। तो हम फिर से उसे भी चेक करेंगे। सो आई राइट एडवर्टाइज डॉट इज नल, मतलब अगर कोई नल है, और आई विल राइट डॉट सम, अगर है तो उन सारे का सम करके दो। तो यहाँ पे देखो मुझे आ रहा है 0000, राइट। इसका मतलब किसी भी कॉलम में हमारे पास नल वैल्यू नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग पार्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग पार्ट हमारा होता है कि उसकी समरी हम देखते हैं। सो आई विल राइट एडवर्टाइज डॉट डिस्क्राइब, एडवर्टाइज डॉट डिस्क्राइब, तो हमें उसकी यहाँ पे समरी मिल जाएगी। देखो यहाँ पे टीवी जिसका काउंट हर एक का काउंट 200 है, उसके बाद टीवी का मीन है 147, रेडियो का 23, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, उसके साथ साथ मिनिमम वैल्यू कौन सी है, और फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम है, राइट। सो यहाँ पे उसका पूरी 5 नंबर समरी आपको मिल जाती है डॉट डिस्क्राइब से, ओके। सो गाइज ये तो था कि हमारा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे एक पेयर प्लॉट कि पूरा का पूरा रिलेशनशिप क्या है, राइट। सो आई विल राइट हियर SNS डॉट, मतलब हम C1 की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, SNS डॉट पेयर प्लॉट, और हमको लेना होता है पूरा पूरे एक, ये हर किसी का चाहिए हमें, राइट। सो आई विल राइट द फुल डेटा फ्रेम, राइट, और रन। सो मैं जैसे ही रन करूँगा तब ये पेयर प्लॉट क्या करेगा, हर किसी के साथ पेयर करके प्लॉट दे। देखो इसने हर किसी का दिया है, मतलब 7, राइट। सो इसने क्या किया है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और सेल्स, मतलब सेल्स का टीवी के साथ क्या रिलेशन है, सेल्स का रेडियो के साथ क्या है, सेल्स और न्यूज़पेपर क्या है, और सेल्स और सेल्स का खुद का रिलेशनशिप क्या है, राइट। सो हम यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राइट फॉर टीवी एज द वैल्यू ऑन एडवर्टाइजिंग इज इंक्रीजिंग द सेल्स आल्सो इंक्रीजिंग, वैसे भी रेडियो के लिए है, सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए देर इज समवट लेस रिलेशनशिप, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है जैसे कि हमें टीवी में दिखता है। जैसे वी कैन ड्रॉ ए कंटिन्यूस लाइन हियर, राइट, यहाँ पे एक लाइन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी एक लाइन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन हम नहीं निकाल सकते, राइट। सो देर इज नो रिलेशन वी कैन से, ओके। सो यहाँ तो हमें एक तो पूरा ओवरव्यू मिल गया है, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा, अब हमने तो सब चेक किया है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये कोरिलेशन यहाँ पे तो हमें दिखा है, तो उसका एक कोरिलेशन प्लॉट भी हम प्लॉट करेंगे। सो आई विल राइट हियर plt.figure fix size is equal to, से आई विल राइट 12, 8, और यहाँ पे देखेंगे sns.heatmap, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे हम advertise डॉट कोरिलेशन है, सबका कोरिलेशन कर दो, और उसी के साथ साथ हम लिखेंगे anode इज इक्वल टू ट्रू, राइट, मतलब उसकी वैल्यूज भी प्रिंट करो, और आई विल राइट हियर plt.show एंड विल रन दिस। देखो गाइस ये हमें रिलेशनशिप मिल गया, राइट। तो यहाँ पे मतलब जो डार्क सा कलर है वो रिप्रेजेंट करता है लेस रिलेशनशिप, और जो फेंट कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हाईर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम सेल्स के लिए देख सकते हैं कि टीवी का रिलेशनशिप हाई है, उसके बाद है रेडियो, और उसके बाद है न्यूज़पेपर, जैसे हमने यहाँ पे ही फाइंड आउट किया, राइट। सो वी कैन गेट द एक्चुअल वैल्यूज आल्सो हियर। सो दिस टाइप और दिस कोरिलेशन प्लॉट इज बेसिकली यूज व्हेन यू हैव ए लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स, राइट। अगर आप यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही है, अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते, से यू हैव 15, 16 या 20 वेरिएबल्स, तब आपको मॉडल की एक्यूरेसी के लिए कुछ वेरिएबल्स को इलिमिनेट करना पड़ता है, जिसका रिलेशनशिप कम होगा उसको हमें रिमूव करते हैं, राइट, तब ये काम आता है, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्टली अब जाएंगे हमारे मॉडल क्रिएशन के लिए, मॉडल क्रिएशन और इवेल्युएशन। सो आई विल राइट हियर मॉडल क्रिएशन एंड इवेल्युएशन। सो मॉडल क्रिएशन और इवेल्युएशन के लिए
सबसे पहले मॉडल क्रिएशन और इवेल्यूएशन के लिए हमें क्या करना होता है, हमको करना होता है उस डेटा को x एंड y में डिवाइड करना होता है, राइट। x एंड y मतलब इंडिपेंडेंट फीचर्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आई विल राइट हियर कैपिटल x इज इक्वल टू एडवर्टाइज, एडवर्टाइज में लिखेंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब कॉलम की लिस्ट चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे देखो, ये टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, ये है हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स और सेल से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इन एक्स आई विल राइट टीवी, देन आई विल राइट रेडियो, देन न्यूज़पेपर, ओके, न्यूज़पेपर और इन सारे के वैल्यूज चाहिए, डॉट वैल्यूज। और उसी के साथ साथ हम वाई में डालेंगे, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वहाँ पर डालेंगे क्या लिखना है हमें, सेल्स, सिर्फ एक ही कॉलम है, सेल्स डॉट वैल्यूज, ओके। सो विल रन, सो वी हैव गॉट एरर, दैट इज ओके, इंस्टेड ऑफ कॉमा आई प्लेस्ड डॉट हियर, ओके, नाउ इट इज ओके। सो वी हैव डिवाइडेड आवर डेटा इन एक्स एंड वाई, मीन्स वी हैव वर्टिकली डिवाइडेड आवर डेटा। आफ्टर दैट वी हैव टू डिवाइड द डेटा हॉरिजॉन्टली, मतलब हमें क्या करना है, ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करना है, right? So I will write here x train comma test comma y train comma y test, okay? So using हमें क्या करना है, so हमें जो अपने लाइब्रेरी कॉल की है उसको यूज़ करना है, train test split, okay? So train test split किसका किसका करना है, x capital x का, small y का, मतलब इन दोनों को स्प्लिट करना है। उसके साथ साथ हमें देना होता है टेस्ट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू, हम दे रहे हैं 20% और रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोग्राम खुद ही डिसाइड करे, राइट। सो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, सो हम देखेंगे कि उसका शेप या साइज कितना है। सो आई विल राइट प्रिंट एक्सट्रेन डॉट शेप, उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट एक्स टेस्ट डॉट शेप, उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट वाई ट्रेन डॉट शेप, और उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट वाई टेस्ट डॉट शेप, ओके। सो देखो क्या हो गया, अब 160 एक्स ट्रेन में क्या है, 160 रोज एंड 3 कॉलम्स, एक्स टेस्ट में भी है 40 रोज एंड 3 कॉलम्स, उसके साथ साथ वाई ट्रेन में है 160 रोज एंड 1 कॉलम, दैट इज सेल्स कॉलम, एंड वाई टेस्ट में है 40 रोज एंड 1 कॉलम, ओके। सो यहाँ पे तो हमने टेस्ट ट्रेन टेस्ट में डिवाइड किया है। उसके बाद हम करेंगे मॉडल, सो हम बना रहे हैं लीनियर रिग्रेशन का मॉडल। सो वी विल क्रिएट, क्या क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। सो वी विल राइट लीनियर रिग्रेशन इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, ओके। सो हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद हम इसको फिट करेंगे हमारे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पर फिट करेंगे, या फिर वी कैन से इट एज अ वी विल ट्रेन आवर मॉडल, ओके। सो आई विल राइट लीन रिग डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, तो यहाँ पे हमारा मॉडल बन गया लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद हम करेंगे प्रेडिक्ट, ओके। सो वी विल प्रेडिक्ट, सो आई विल राइट हियर, सो आई विल राइट प्रेड इज इक्वल टू लीनरिग डॉट प्रेडिक्ट, और क्या करना है हमें, हमें जब देना होता है एक्स टेस्ट, एंड वी विल L I N E, ओके। सो हमारा प्रेडिक्शन अब इस प्रेडिक्ट में हो गया है, वी कैन प्रिंट also, आई विल से प्रिंट प्रेड, तो ये हमारे आंसर्स आया है। नाउ वी हैव टू कंपेयर इट विद द वाई टेस्ट, हमें वाई टेस्ट से कंपेयर करना है, राइट। सो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, मॉडल इवेल्युएशन, ओके। सो फॉर मॉडल इवेल्युएशन हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन उसका एब्सोल्यूट एरर का, और स्क्वायर मीन स्क्वायर्ड एरर, और आर टू वैल्यू, राइट। आर टू वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है फॉर लीनियर रिग्रेशन। सो आई विल
राइट हियर से प्रिंट प्रिंट करना है हमें, क्या करना है, मीन मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें करेंगे प्रिंट। अब हमें कॉल करनी है मैट्रिक्स की लाइब्रेरी, ओके। सो आई विल राइट मैट्रिक्स मैट्रिक्स डॉट, क्या फाइंड आउट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो आई विल राइट हियर मीन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर, ओके। किस किस के बीच का, वाई टेस्ट और प्रेड, राइट, प्रेडिक्शन जो हमने किया है उन दोनों के बीच का। उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट, हम सारा एक साथ ही प्रिंट करेंगे, प्रिंट मीन मीन स्क्वायर्ड एरर, ओके। सो मीन स्क्वायर्ड एरर, सो उसके बाद मीन स्क्वायर्ड एरर के लिए भी आएगा मैट्रिक्स, यस, मैट्रिक्स डॉट मीन स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड एरर, ओके। कहाँ का, वाई टेस्ट और प्रेड के बीच का मीन स्क्वायर्ड एरर चाहिए हमें। और उसके बाद हम उसका रूट भी लेंगे, ओके। से लेट राइट प्रिंट, आई विल राइट रूट मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर लेंगे। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन पी दैट इज नम पाई डॉट एस क्यू आर टी, मतलब नम पाई डॉट स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए, मीन स्क्वायर एरर का, राइट, रूट मीन स्क्वायर एरर, मतलब मीन स्क्वायर एरर का रूट। तो आई विल राइट दिस और आई विल कॉपी दिस, कंट्रोल सी एंड आई विल राइट दिस इनसाइड कंट्रोल वी, राइट। इसका हम रूट फाइंड आउट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है आर टू, यानी कि आर स्क्वायर्ड वैल्यू, राइट। सो फॉर आर टू वैल्यू वी विल राइट, क्या करना होता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स डॉट आर टू स्कोर, इसका आर टू स्कोर वाई टेस्ट और प्रिंट, और हम इसे करेंगे प्रिंट। सो वी हैव गॉट वन एरर एंड दैट इज नो एस्केलर मैट्रिक्स हैज मॉड्यूल मीन एब्सोल्यूट, ओके। सो एब्सोल्यूट टी ई, ओके। सो गाइज वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज, हमारा 1.3 का एरर है और R2 वैल्यू है 0.86, सो वी कैन से दैट आवर मॉडल इज अप्रोक्सीमेटली 86% राइट, राइट। सो हम यहाँ पे रुक रहे हैं क्योंकि हमें और आगे का पार्ट भी करना है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।